बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन। उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। आज जो आपके साथ रेसिपी मैं लेके आई हूँ वो है जी इंडियन स्ट्रीट फूड भुने हुए आलू। तो आज मैं और मेरी बेटी है दुआ आपको जो है भुने हुए आलू की रेसिपी बताएंगे। तो हेलो जी नाज़रीन, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल पंजाबी चूल्हा को लाइक क्या करें, सब्सक्राइब क्या करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करें। तो चले हम अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं। सबसे पहले जी मैं चलाऊंगी आग। आज हवा भी चूँकि तेज़ है और अल्लाह है हमारी जो आग है वो भी लग जाए। जी नाज़रीन की हमारी जो आग थी वो बिल्कुल रेडी है। अब मैंने इस पे जी देखिए चढ़ा दिया है। इस पे मैंने डाली है जी रेत। ये रेत जो अच्छी तरह हमारी है वो गर्म हो जाए फिर हम इसमें जो हमारे आलू हैं वो ऐड करेंगे। जी नाज़रीन हवा बहुत तेज़ है इसलिए जो हमारी रेत है वो थोड़ा टाइम ले रही है गर्म होने में। अब हम जी इसमें मेरे पास ये तकरीबन 1 किलो आलू है ये मैंने इसमें डाल लिया है। उनको हमने अच्छी तरह से रेत में जो है वो हम इसको भुनेंगे। स्पेशली इंडिया में नाज़रीन बहुत अच्छी बहुत ज़्यादा रेसिपी खाई जाती है। जी नाज़रीन को तकरीबन 1 घंटा लगता है रेडी होने में। जी नाज़रीन जब तक ये हमारे आलू जो है वो तैयार होते हैं तो हम जो इसके लिए चटनी तैयार करेंगे। ये आलू जो हैं चटनी और बटर के साथ खाए जाते हैं बहुत ही मज़े के लगते हैं जी। इसके लिए जी मैं अब चटनी तैयार करूंगी। तो मैंने ले लिया है जी पुदीना, मेरे पास फ्रेश पुदीना है। जी नाज़रीन मेरे पास टमाटर है, नमक, खुश्क धनिया और साबुत लाल मिर्च कुटी हुई है। इसको हमने अब अच्छी तरह से पीस लेना है।
जी नाज़रीन, अब हम इसमें जो हमारी चटनी थी बिल्कुल पिस चुकी है, बिल्कुल रेडी है। इसमें हम दही मिक्स करेंगे, बहुत ही मज़े की चटनी है नाज़रीन। ये अब हम आलू के साथ जो हमारे भुने हुए आलू हैं उनके साथ ये सर्व करेंगे। इसके साथ ही हमारा बटर होगा इसके साथ। अब हम अपने आलू चेक करते हैं। जी देखिए जी, हमारे आलू जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। अब हम एक आलू जो वो निकाल के चेक करेंगे कि जी नज़र से मैंने एक पैक जो है वो नमक का भी ऐड किया था। रेत और नमक में मैंने ये जो हमारे आलू हैं इनको भूना है अच्छी तरह। जी हम एक आलू जो है चेक करेंगे, हमारे आलू हैं जो रेडी हैं। हम इन्हें जो है वो डिश आउट करेंगे, निकाल लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारे जो आलू हैं वो बिल्कुल रेडी हैं, हमने छील लिए हैं। अब हम इसको भी आपको दिखाते हैं कैसे। ये हमारे पास बटर है, बटर और चटनी के साथ इनको खाया जाता है। इससे बहुत ही मज़े के बहुत आसान रेसिपी नाज़रीन, इसको आपने ज़रूर ट्राई करने हैं और आपने आपको बताना है कि आज की रेसिपी आपकी हमारी आपको कैसी लगी।